यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रोहतक से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बस की सीट को लेकर हुए विवाद ने युवक की जान ले ली। पूरा मामला मोखरा गांव का है, जहां एएसआई के बेटे का गांव के ही युवक के साथ बस की सीट को लेकर के झगड़ा हुआ था। वहीं आरोपी आधी रात को मृतक के घर समझौता करने के बहाने आए और दरवाजा खुलते ही युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवक को 4 गोलियां लगी और गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी मंजीत सिंह और एफएसएल टीम रोहतक पीजीआई पहुंची और मौके का मुआयना किया। दरअसल परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही परिजनों का आरोपियों की गिरफ्तारियों का आश्वासन भी दिया गया है। वो रात को 11:30 मिलन अपने घर पे था। दो लड़के आए, लीले का लड़का एक और मोटरसाइकिल पे। तो मिलन को आवाज़ लगाई, मिलन और उसकी माँ बाहर आए तो उन्होंने कहा, मिलन की माँ को कहा कि हमने इससे बात करनी है। मिलन की माँ पानी देने के लिए जैसे ही अंदर गई तो उन्होंने मिलन को गोलियाँ मार दी और भाग गए मौके से। रात को मैसेज आया था कि भाई मोखरा गाँव में मिलन नाम के लड़के को गोली मार दी है, जिसको इलाज के लिए पीजीआई लेकर आए। अभी एफआईआर दर्ज हो गई है, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं।